Dear students, let me discuss a question from S.C. Verma. That is question number 66. What's the statement? Consider the situation shown in figure. The width of each plate is B. The capacitor plates are rigidly clamped in the laboratory and connected to a battery of EMF E. All surfaces are frictionless. Calculate the value of capital M for which the dielectric slab will stay in equilibrium. अब इस प्रॉब्लम में वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज जीरो। इट मींस डायलैक्टिक स्लैब पे कैपेसिटर के अंदर एक फोर्स एक्ट होता है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें एक टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा। वो टॉपिक होता है फोर्स ऑन डायलैक्टिक स्लैब। अगर कोई डायलैक्टिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इन बिटवीन एंटर करती है तो उस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अरे जो फोर्स लगता है इट इज ड्यू टू फ्रिंजिंग इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो फ्रिंजिंग इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है कि जो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैपेसिटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हमारे पास है। दिस अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड लोअर प्लेट इज निगेटिवली चार्ज। ये हम जानते हैं ये कैपेसिटर चार्ज है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये डायलैक्टिक कांस्टेंट के हमारे पास है। जैसे ही डायलैक्टिक मीडियम इसके अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डायलैक्टिक के अंदर आए हैं ये पोलराइजेशन की वजह से है, जो कि हम जानते हैं। इसके अंदर पोलराइजेशन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो कैपेसिटर की ये नेगेटिव प्लेट है ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगी, इस तरह से अपनी ओर खींचेगी। एज वेल एज जो ये पॉजिटिव चार्ज है कैपेसिटर का प्लेट का, ये इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। इसकी वजह से इस प्लेट पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो उसी फोर्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। यहाँ पे ये कैपेसिटर में गिवन है, कैपेसिटर की प्लेट्स में गिवन है। आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि द विड्थ ऑफ ईच प्लेट इज बी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये वाली साइड है, दिस विड्थ इज बी हियर, इट्स टू बी केप्ट इन माइंड। बहुत केयरफुली देखेंगे, ये साइड हमारी बी है और एज वेल एज जो इसकी लेंथ है, दिस लेंथ इज एल इज हियर, इट इज गिवन टू यू। ये लेंथ प्रॉब्लम में जो डायग्राम आपको दे रखा है उसमें साफ दे रखा है उसने कैपेसिटर की लेंथ कितनी है, एल है। अब यहाँ पे उसने ये भी दे रखा आपको कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज डी हियर, इट इज मेंशन टू यू, डायग्राम में आपको दे रखा है। और यहाँ पे एक बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है, यहाँ से एक बैटरी हमने यहाँ से कनेक्ट कर दी है और इसका ईएमएफ कितना है, ई है। जैसे ही हमने इस डायलैक्टिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, ये जो हमने रेड कलर का बनाया है ये डायलैक्टिक मीडियम है, कैपेसिटर की प्लेट के अंदर इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम ये देखते हैं, बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि डायलैक्टिक का कुछ पोर्शन अभी इसके अंदर है। डायलैक्टिक का कुछ पोर्शन ही इस स्लैब के अंदर है जो हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो डायलैक्टिक के अंदर इसका जो एरिया बन रहा है वो एरिया कितना है उसको हम लेके चलेंगे। तो आप देखेंगे कि इतना जो कैपेसिटर है ये विद डायलैक्टिक स्लैब है। ये जो पोर्शन मैंने यूज किया है रेड कलर का, लेट द पोर्शन ऑफ द डायलैक्टिक विद इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज एक्स। तो ये पोर्शन कितना बच जाएगा जो हमारे पास बाहर है विदाउट डायलैक्टिक है, एयर में है, तो ये बच जाएगा एल माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बात आती है एरिया की। अगर हम एरिया देखते हैं तो ये जो पोर्शन बनेगा, ये जो एयर है, जहाँ पे यहाँ हमारे पास एयर है, इस पोर्शन में हमारे पास एयर है, यहाँ एयर है। और ये साइड कितनी है, दिस साइड इज बी हियर, ये साइड आपको दे रखी है, ये साइड बी है। तो जब तक एयर के पोर्शन की हम बात करते हैं, जो कैपेसिटर में दो कैपेसिटर हमारे बन रहे हैं, एक जो फर्स्ट कैपेसिटर बनेगा, दिस कैपेसिटर इज सी वन, जो पहला कैपेसिटर हमारे पास ये सी वन बनेगा और इसके बीच में प्लेट्स के बीच में यहाँ पे एयर है। तो जहां पे प्लेट्स के बीच में एयर है तो सी वन के अंदर क्या है, एयर फील्ड है, इट इज एयर फील्ड। तो एयर फील्ड कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कितना होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन डी। अब एरिया कितना हो जाएगा ये बड़े केयरफुल समझना है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, एल माइनस एक्स, और ब्रेथ कितनी है प्लेट की, वो हमारे पास बी है, अपॉन सेपरेशन कितना प्लेट्स का, डी है। दिस वन इज सी वन इज हियर, एज वेल एज जो सी टू है, सी टू इज द कैपेसिटेंस विद डायलैक्टिक स्लैब। ये किसके लिए है,
ये डायलिटिक स्लैब के लिए है। तो डायलिटिक स्लैब जितना इंट्रोड्यूस हुआ है उसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो बड़े केयरफुली देखेंगे तो C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन डी। अब एरिया वो होगा जो, अच्छा वन मोर थिंग, जब डायलिटिक स्लैब की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डायलिटिक स्लैब में क्या होता है, के यूज करना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू एरिया। अब ये एरिया देखेंगे तो बड़े केयरफुली समझना हमने। अब जो एरिया अंडर कंसिडरेशन होगा वो सिर्फ ये एरिया होगा, प्लेट एरिया हमारा ये होगा। ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है, ये प्लेट एरिया लिया जाएगा जो किसके अंदर है, जो डायलिटिक का एरिया इस प्लेट्स के कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ये वाला एरिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपको पता है एक्स है ये वाली साइड, और इसकी विड्थ कितनी दे रखी है आपको, बी दे रखी है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, आप बात समझ गए, दिस एरिया बिकम ऑटोमेटिकली हियर लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये बन जाएगा बी इनटू एक्स, या लेंथ इनटू ब्रेथ होता है तो बी इनटू एक्स इज हियर, ये हमारा एरिया इतना हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, इट बिकम के एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, एरिया इज बी एक्स अपॉन डी इज द टू इज हियर। नाउ दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में क्यों है, क्योंकि दोनों सेम वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C will be equal to C in parallel and will be equal to C1 plus C2. In this way, हम इसका net capacitance calculate कर सकते हैं। C1 plus C2 आप solve कर दीजिए, कितना को माना जाएगा? Epsilon naught B by D, ये बाहर आ गया, कितना बचेगा हमारे पास? It is here L minus X plus KX, ये हमारे पास बच जाएगा। इसको आप solve करेंगे, तो C कितना हो जाएगा? It is here Epsilon naught B by D, और यहां से आ जाएगा हमारे पास L plus K माइनस वन इंटू एक्स, ये हमने नेट कैपेसिटेंस को सॉल्व कर दिया है। अभी जितना पोर्शन इस डायलिटिक स्लैब का कैपेसिटर के अंदर है उसको कंसिडर करके हमने पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस सॉल्व कर लिया है। जो गिवन क्वेश्चन हमें है उस क्वेश्चन में हम यही डील कर रहे हैं कि ये जो पोर्शन हमारे पास है, दिस वन इज एक्स पोर्शन इज विद इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के अंदर है, तो वही हमने कंसिडर कर दिया है। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है फोर्स को, तो फोर्स को सॉल्व करने के लिए हम एक हेल्प लेते हैं एनर्जी की। तो हम पहले यहाँ पे एनर्जी स्टोर को सॉल्व कर लेंगे। तो इस सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा, एनर्जी स्टोर विल बी, वी नो वेरी वेल एनर्जी स्टोर यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वी की जगह में क्या है, ई है, तो हो जाएगा हाफ सी इन टू ई स्क्वायर, जहां सी का कैपेसिटेंस आपने सॉल्व कर दिया है, कितना हो जाएगा हाफ, यू गॉट दिस सी, ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी एंड इट इज हियर एल प्लस के माइनस वन इनटू एक्स इनटू ई स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी स्टोर आ गई है, इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, जैसे उसने क्वेश्चन में दे रखा आपको, बैटरी इज कनेक्टेड हियर, बैटरी कनेक्टेड है, इसका ईएमएफ ई है और ये कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे एनर्जी स्टोर आ गई है। अब एक दूसरा रिजल्ट हम अच्छी तरह जानते हैं फोर्स के रिगार्डिंग, हम एक रिजल्ट को जानते हैं और वो रिजल्ट हमारा होता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो अब हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फोर्स एफ इज इक्वल टू, कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्स होता है वो होता है हमारे पास डी यू बाई डी एक्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हमें लेना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, यहां हम इसको लिख सकते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी एफ इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू इज कंसर्न, यू मैंने यहां पे लिख दिया, इट इज हियर एप्सिलॉन नॉट बी बाई टू डी एंड इट इज एल प्लस, ब्रैकेट में हमारे पास एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स एंड इंटू ई स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो ये टर्म है के माइनस वन इंटू एक्स, ये टर्म ये x यहां से हट जाएगा, ये x यहां से हट जाएगा और जो ये l टर्म है इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। पर ध्यान से देखना, आपको d / dx करना है, ये l है यहां पे, l being constant, ये आपको लेंथ ऑफ प्लेट दे रखी है, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, दिस f बिकम एप्सिलॉन नॉट b बाई 2d और ये बन जाएगा हमारे पास सिंपली k माइनस वन, ये बचेगा सिंपली x1 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा e square आ जाएगा, इस द इक्वेशन नंबर 50। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, द फोर्स ऑन डायलिटिक स्लैब ड्यू टू कैपेसिटर एट एनी टाइम इज दिस वन। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसलिए है
क्योंकि x के इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको पूछा गया है इस प्रॉब्लम में। वो क्वेश्चन ये है कि ये रेस्ट पे होना चाहिए। जो हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपने ये देखा यहाँ पे कि हमारे पास सिंपली ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है और इसके अंदर हमने डायटिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रखा है यहाँ पे। तो हम ये ध्यान से समझेंगे इस बात को, इस पे अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो आपने कैलकुलेट कर दिया है। और आपको इस प्रॉब्लम में यहाँ से एक पुली बांध करके और उसने एक मास m को यहाँ अटैच कर रखा है, तो आप समझ सकते हैं इस मास पे जो वेट लगेगा, इसका वेट mg कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, दिस वन। तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। अभी ही टेंशन टी यहाँ आ जाएगी। अब ये सिस्टम रेस्ट पे है, ये सिस्टम रेस्ट पे होना चाहिए। तो रेस्ट की कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ मस्ट बी इक्वल टू टेंशन टी। ये एफ और टी इक्वल होने चाहिए और अपोजिट है ये, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अभी टी किसके बराबर है, यहां से देखें, टी विल बी इक्वल टू दिस mg, टी mg के बराबर हो जाएगा, तो एफ विल बी इक्वल टू mg। आपको मास निकालना है, देयरफॉर m इज इक्वल टू एफ बाई जी। एफ आपने सॉल्व कर दिया है, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, यहां से हमारा आंसर मास m निकल जाएगा। इन दिस वे m कम्स आउट टू बी, एफ हमने सॉल्व कर दिया है, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट b बाई 2gd, जी यहाँ पे आ जाएगा और ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पर है k माइनस वन इंटू ई स्क्वायर, एंड इट इज द डिजायर्ड आंसर।